HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है और मार्कअप्स के बारे में थोड़ी मज़ीद बात होगी कि मार्कअप्स असल में क्या होता है, थोड़ी सी डिस्कशन पहले भी हुई है मार्कअप की, और टैग्स और एलिमेंट्स किसको कहते हैं। ठीक है, एक तो मार्कअप है ना, उसके सब पार्टिकल्स हैं टैग्स और एलिमेंट्स, तो उनका क्या मतलब है, ये क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर डिस्कस होंगी। अच्छा, तो ये यहाँ पर लिख रहे हैं कि वी केम अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एवरी डे इन आवर लाइव्स, कि हम हर तरह के डॉक्यूमेंट हम देख रहे होते हैं, क्या कहते हैं, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, वो कोई इंश्योरेंस फॉर्म हो सकता है, वो कोई शॉप का कैटलॉग हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू हो सकता है, तो इस तरह के हम कई सारे डॉक्यूमेंट्स दिन में हम देखते रहते हैं। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो वेब पेजेस होते हैं ना, ये उन्हीं डॉक्यूमेंट का डिजिटल वर्जन होता है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। अच्छा, अब ये अगले पेज पे इसने एक वेबसाइट यहाँ पे छोटी सी बना के दिखाई है, इतनी वेबसाइट हम लोगों ने, सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बना चुके हैं अभी तक हम पहले। अच्छा, तो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर ना, ये वेबसाइट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपसे बन जाएगी। ठीक है, तो हम इस बुक से थोड़ा सा भी आगे हैं राइट नाउ, लेकिन वो थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी यही है कि ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दी गई है, अगर किसी को नहीं मिली है तो वो कोई मैसेज, हाँ नहीं कोई आप में से ना एक बंदा दोबारा शेयर कर दीजिएगा उसको, है ना। तो ये बुक आप सब लोगों के पास अवेलेबल हो गई है, आप लोगों ने इस बुक के चैप्टर्स को बाकायदा पढ़ना है। जैसे अभी देखें ये सारी मजमून लिखा हुआ है, एक बात लिखी हुई है, तो ये यहाँ पे हम पढ़ नहीं सकते, यहाँ पे खड़ा होकर मैं पढ़ा नहीं सकता आपको ये, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, हम दो घंटे की क्लास होती है, उसमें सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको वर्ड बाई वर्ड आपने ना इस बुक को पढ़ना है। अच्छा, क्योंकि राइटर जो जिसने बुक लिखी है ना, वो आपसे कुछ बात कर रहा है, तो वो बात आपको जब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसको वर्ड बाई वर्ड नहीं पढ़ेंगे। एक तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह राइटर भी एक बात कर रहा है आपसे। अच्छा, तो मतलब ये है कि एक बात मैं आपको पढ़ाऊँगा और वही सेम बात राइटर से आपने पढ़नी है दोबारा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और पक्की हो जाएगी। अच्छा, इसने ये दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर किया, एक न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है और साथ में उसी न्यूज़ की वेबसाइट खुली हुई है, उसी न्यूज़ का डिजिटल वर्जन खुला हुआ है। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं है, जो HTML के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, HTML पे जो बना हुआ जो वेबसाइट होती है, वो क्या होता है, किसी भी एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट का डिजिटल वर्जन होता है। अच्छा, स्ट्रक्चरिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, अब कह रहे हैं कि अगर आपने ये इंश्योरेंस फॉर्म वगैरह टाइप की कोई चीज़ या न्यूज़पेपर, छपने वाला न्यूज़पेपर बनता है, तो वो बनता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, कैसे एक डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, कैसे एक डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करते हैं। अच्छा, तो आमतौर पे क्या होता है, शुरू में टॉप पे एक हेडिंग होती है, उसके नीचे एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, उसके नीचे एक सब हेडिंग हो सकती है जो थोड़ी छोटी होती है साइज़ में मेन हेडिंग से, ठीक है, उसमें सब हेडिंग में एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ होगा, फिर एक दूसरी सब हेडिंग होगी। तो आमतौर पर इस तरह से ही स्ट्रक्चर हो रहा होता है एक वर्ड का डॉक्यूमेंट। कह रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह से आप जब अपना वेब पेज बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बिल्कुल वही होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, ठीक है, या एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है कि भाई टॉप पे सबसे बड़ी हेडिंग होगी, उसके बाद शायद एक पैराग्राफ होगा, फिर कोई सब हेडिंग होगी, ठीक है, क्योंकि जाहिर है जो भी मजमून लिखा जा रहा है या जो भी बात लिखी जा रही है उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको अब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कायदे आज़म के बारे में एक बात पूरी वेबसाइट बनी हुई है, तो अब कायदे आज़म के अब अर्ली लाइफ के बारे में एक सब हेडिंग होगी उसकी, टॉप हेडिंग तो ये होगी कि द लाइफ ऑफ कायदे आज़म, लेकिन सब हेडिंग होगी कि अर्ली लाइफ, उनका जो क्या कहते हैं एज अ वकील उनका जो करियर था उसकी एक हेडिंग होगी, ठीक है, उनकी जो घरेलू ज़िंदगी है उसकी एक हेडिंग होगी, उनकी जो सियासी ज़िंदगी है फिर उसकी एक हेडिंग होगी, फिर वो उसके बाद शायद ये शुरू होगा कि वो तहरीक पाकिस्तान जब चली तो उसमें उनका क्या रोल रहा, वो कैसे शुरू हुई, क्या उनका वो एज अ लीडर कैसे उसमें बिहेव कर रहे थे, क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। तो ये सब हेडिंग्स में अपने जो मुद्दे को डिवाइड किया जाता है आमतौर पर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में, तो इसी तरीके से एक वेबसाइट में भी जब एक वेबसाइट बनेगी, जो वो हेयर ड्रेसर की दुकान की वेबसाइट है या कोई दूध की दुकान की वेबसाइट है या वो किसी बेकरी की या किसी जो केक बेचने वाले हैं उनकी मिठाई की दुकान की वेबसाइट है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, तो एक तो मेन हेडिंग होगी ऊपर कि भाई शॉप का नाम कि भाई ABC बेकर्स, वो टॉप हेडिंग हो गई, उसके नीचे फिर वो सब हेडिंग में मज़ीद बातें होंगी सारी। अच्छा, तो ये बात हो गई है कि स्ट्रक्चर तो वही है जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में होता है। अच्छा, HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। HTML का जो मेन काम है वो पेज का स्ट्रक्चर बनाना उसका काम है। पेज का स्ट्रक्चर जब हमें बनाना होता है तो हम HTML के जरिए बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें इन्होंने छोटा सा एक HTML का कोड लिखा हुआ है। अच्छा,
अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इस कोड को अच्छी तरह समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। ये बॉडी है और बॉडी के अंदर एक हेडिंग डली हुई है, एक पैराग्राफ है, ठीक है, पी का मार्कअप है, फिर एक एच टू का मार्कअप है जो एक और हेडिंग है, हेडिंग नंबर टू, ठीक है, और एक और पैराग्राफ है नीचे, फिर एक और हेडिंग है, फिर एक और पैराग्राफ है। तो आप सब लोग इस कोड को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि आपने ये अपने हाथों से लिख लिया सब लोगों ने। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई, ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। जैसे एक बिल्डिंग होती है, अब इस जब ये ब्लॉक से तैयार होगा ये कमरा, तो इसमें कहाँ पे खिड़की होगी उसकी जगह छोड़ी हुई होगी, ठीक है, कहाँ पे जो है वो दरवाज़ा लगेगा उसकी जगह छोड़ी हुई, तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर। कहाँ पे बल्ब लगेगा तो वहाँ पे एक छोटा सा सुराख छोड़ेंगे बल्ब लगाने के लिए, तो ये स्ट्रक्चर वाली चीज़ है सारी। तो स्ट्रक्चर वाला जो काम है ना वो HTML से होगा, ग्रे स्ट्रक्चर जो हम बिल्डिंग का भी वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर, तो ग्रे स्ट्रक्चर बनेगा HTML से। अच्छा, उसके बाद उसमें जो फिनिशिंग होगी, कलर्स वगैरह होंगे, पलस्तर होगा, वो सारा वो दो होगा CSS से, वो 10वें चैप्टर से शुरू होगा। शुरू के जो 8 चैप्टर है वो हमने ग्रे स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। अच्छा, आप जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि किसी भी बिल्डिंग में जो असल वैल्यू होती है ना वो ग्रे स्ट्रक्चर की होती है। कलर तो चेंज हो जाता है हर साल बाद कलर चेंज, लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर जो खड़ा होता है वो अगले 100 साल के लिए खड़ा किया जाता है। तो HTML की यही हैसियत है, आपने HTML को बहुत गौर से पढ़ना है। वैसे तो सही मानों में देखा जाए तो हमने HTML कंप्लीट कर ली थी पहली क्लास में, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि मार्कअप लगते कैसे हैं, HTML की फाइल बनती कैसे है। अब आगे का काम ये कि जितने भी मार्कअप हैं हम एक एक करके उन तमाम मार्कअप को एक्सप्लोर करेंगे और हमारी HTML कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हम एक एक करके जो तमाम मार्कअप को एक्सप्लोर करेंगे ना वो ये चैप्टर 8 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो इसको बहुत गौर से आपने पढ़ना है क्योंकि ये 100 साल के लिए खड़ा हो रहा है अगले, जो ग्रे स्ट्रक्चर है ये, इसकी किसी भी बिल्डिंग में जो ग्रे स्ट्रक्चर की हैसियत होती है वो HTML की हैसियत है। अच्छा, HTML यूजेज एलिमेंट्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पेज। अब किसी बिल्डिंग का जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है वो पिलर से या ब्लॉक से, कंक्रीट से खड़ा होता है। एक HTML डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है, एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो किससे होता है, वो होता है एलिमेंट्स से। अच्छा, हम मार्कअप जिसको कह रहे हैं ना H1, उसको फॉर्मली उसको एलिमेंट भी कहा जाता है। अच्छा, तो क्या है, लेट्स लुक क्लोजर एट द कोड ऑफ द पेज। जो पिछले पेज पे इसने कोड बताया था वो कह रहा है आप उस पर क्लोजर लुक अगर लेंगे ना, तो HTML का एक मार्कअप यहाँ से शुरू है और उसके बाद यही वाला मार्कअप जो है ना ये इस जगह पे ये ख़त्म है, ठीक है। तो ये जो एक मार्कअप ओपन है और एक मार्कअप क्लोज है, इसको हम इतने को मिला के हम कहते हैं एक एलिमेंट है ये, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट तो वैसे अंग्रेजी में किसी भी शय को एलिमेंट ही कहते हैं, लेकिन वो HTML एलिमेंट है, ठीक है, HTML एलिमेंट इसका पूरा नाम। अच्छा, फिर एक बॉडी का एलिमेंट है जो रेड मार्किंग करके दिखाया गया है। अच्छा, फिर उसके बाद एक H1 का एलिमेंट है, ये आप देखें ये ग्रे से मार्क करके दिखाया गया कि H1 का जो एलिमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा, तो ये H1 शुरू और ये H1 क्लोज और इसके दरमियान में जितना भी टेक्स्ट है, तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, H1 का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह पैराग्राफ में भी, पैराग्राफ का ये ओपनिंग और बीच का तमाम टेक्स्ट और ये लास्ट में जो क्लोजिंग है इसकी, ये इस पूरे को मिला के, ये जो ग्रे बॉर्डर डाल के जो पूरा बताया गया ना, इस ग्रे बॉर्डर के अंदर जितना भी कुछ है इसको हम क्या बोलेंगे, पैराग्राफ का एलिमेंट है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये बुक क्योंकि ना वो प्रिंटेड फॉर्म में ये छपी है बुक, तो इसका ये एक पेज और ये वाला जो दूसरा पेज है, यही आप इमेजिन करें कि ये साइड बाई साइड होगा ना, बल्कि मैं आपको वैसे करके शायद दिखा भी पाऊँ यहाँ पे, क्या मैं दिखा सकता हूँ वैसे साइड बाय साइड टू पेज। हाँ, तो ये कुछ इस तरह से जब फिजिकली आप बुक में देखेंगे ना तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये डॉक्यूमेंट आपको, कि यहाँ पे एक मार्किंग की हुई है और सामने उसके ना कुछ उसके बारे में बात लिखी हुई है, लेकिन वो बात मैंने आपको वर्बली बता दी है। लेकिन स्टिल आपसे मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि इस बुक को आपने क्या करना है, पढ़ना है खुद, ठीक है। जो गोरे गोरे जो हमसे आगे हैं ना, हमारे स्कूलों में आम तौर पे बुक पढ़ने पे जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि मैंने भी कराची में प्राइवेट स्कूल से तालीम हासिल की है, तो हमारे स्कूल में भी बुक पढ़ने का कोई रिवाज नहीं था। अब क्या होता था उसमें कि एक बच्चे को खड़ा किया किसी को, तो वो रीडिंग करता था, वो पहला उसने पैराग्राफ पढ़ा, फिर उसको बिठाया तो दूसरा पैराग्राफ दूसरे ने पढ़ा, तो वो चैप्टर उस तरह ख़त्म होता था। अच्छा, हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या बात हुई, और उसके बाद फिर टीचर खड़ा हो गया ना बोर्ड पर, क्योंकि आपने देखा होगा बुक को स्ट्रक्चर इस तरह से दिया जाता है कि एक मजमून होता है, कोई ऐसे लिखा होता है, कोई बात लिखी होती है, उसके लास्ट में 4-5 क्वेश्चंस होते हैं कि जी बच्चा जब ये बुक पढ़ ले तो उसके बाद ये बच्चा इस काबिल हो जाना चाहिए कि वो लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर लिख सके खुद से, इस मजमून में से तलाश करके या अपने जो भी उसने अंडरस्टैंड किया उसमें, वो उस 4-5 क्वेश्चन का आंसर कर सके।
हमारे यहाँ अपोजिट उसका ये होता है आमतौर पे प्राइवेट स्कूल में कि वो टीचर बोर्ड पे खड़ा होता है और वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर वन का आंसर ये है, मैं लिख रही हूँ, आप भी इसको कॉपी में लिखें साथ साथ मेरे। दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये गलत हो रहा है। अच्छा, हमें तो बचपन में लगता था कि यार ये पता नहीं स्कूल जाना एक फॉर्मेलिटी होती है, तो जो स्कूल में करना होता है वो करना ही होता है वरना मार पड़ती है। तो एक इस माइंडसेट के साथ स्कूल का ज़्यादातर लोगों ने हमारे पास जो स्कूल में टाइम गुजारा है वो इस माइंडसेट के साथ गुजारा है कि यार यहाँ जो टीचर बोल रहे हैं ना वो करना ही होता है, वो सही है या गलत है, नहीं करेंगे तो इधर भी मार पड़ेगी घर जाके भी मार पड़ेगी। तो बुक पे पढ़ने का कोई जोर नहीं था। अच्छा, फिर वो क्या होता था, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेते थे कि भाई क्वेश्चन नंबर वन का आंसर ये है, टू का ये है, थ्री का ये है। अच्छा, फिर अल्टीमेटली अगले दिन या उसके एक दो दिन बाद उसका टेस्ट होता था कि जी ये क्वेश्चंस आपने याद करके आने। स्टिल इस पॉइंट तक भी बच्चे को ये नहीं पता कि उसने पढ़ाई क्या की है, पढ़ाई क्या, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में बुक है सारी हमारी। अच्छा, तो बच्चे को अंग्रेज़ी आ रही है या नहीं आ रही है वो उससे भी कतः नज़र, और जो बात पढ़ी गई है लिखी गई है उससे भी कतः नज़र कि वो उसको याद करके आना है आपने। अच्छा, याद करके आएंगे और फिर आपको क्या कहते हैं, वो कहेंगे सारी कॉपी अंदर रखें और एक पेपर पे आप जो है ना वो जो भी आंसर याद किए वो लिखें आप। अच्छा, तो इस याद करने से ना कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो बटा सन्नाटा, कोई फ़ायदा नहीं है। नतीजा क्या निकलता है कि वो बच्चा पूरा साल पढ़ाई भी कर लेता है, उसने पाक स्टडीज़ पढ़ी है, उसने साइंस पढ़ी है, उसने फिजिक्स पढ़ी है, लेकिन साल के आखिर में जब आप उससे कोई बात करते हैं ना, क्वेश्चंस तो सारे उसको याद होते हैं क्योंकि साल के आखिर में इतना रटता है, वो इतना रटता है कि पूरा साल के क्वेश्चंस याद कर लेता है वो। लेकिन उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती आमतौर पर कि उससे अगर आप कोई बात करें, कोई टॉपिक पर बात करें, आप उससे अगर ह्यूमन सेल की बात करें अगर, तो वो सामने से बात नहीं कर पाता, उसको पता नहीं होता। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर उसको पता है, सेल की डेफिनेशन उसको रटी हुई है, लेकिन वो सेल के बारे में कोई बात नहीं कर पाता। अगर आप उससे पूछें कि ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बायोलॉजी का एक टॉपिक है छोटा सा, तो वो आप उससे कहेंगे कि यार आप क्या समझते हैं इसके बारे में, कोई आप तबसरा करें, कोई बात करें, उसको कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन उसकी डेफिनेशन रटी हुई होती है उसमें। अच्छा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, अच्छा गोरा क्या करते हैं ऑन अदर एंड, वो भी आप समझें ज़रा। अच्छा, और ये कोई वो बात नहीं है, आप गूगल करेंगे तो आपको भी ये बातें पता चल जाएंगी, या आपका भी कोई अगर अजीज़ रिश्तेदार है कोई, आप आज तो आसान है ना, फेसबुक पे आप किसी भी गोरे से मैसेज करें दोस्ती कर लें, हो जाता है। लिंक्डइन पे है ना, कोई भी बंदा कनाडा में क्या कहते हैं यूएसए में, यूरोप में, जर्मनी में, कहीं भी रहता है, आप उसको मैसेज करें, उससे दोस्ती करें, आप उससे बात करें, पूछें उससे ये बात, आपको बताएगा वो सारी बातें। अच्छा, तो गोरा क्या करता है, जब यूनिवर्सिटी उसकी शुरू होती है या उसका कॉलेज शुरू होता है या स्कूल शुरू होता है, तो बुक वो ख़रीदता है एक। अच्छा, वो बुक अच्छी वाली बाइंडिंग वाली जो बुक होती है, आप उसको अगर देखें ना, वो तारों से उसको बाइंड किया हुआ होता है, बड़ा मजबूत बाइंडिंग होती है वो, तो वो उस कॉपी ख़रीदता है प्रिंटेड बुक की। अच्छा, पूरे साल उसको पढ़ाई करके ना वो उसका वो हाल कर देता है साल के आखिर में कि कोई दूसरा बंदा उससे पढ़ाई नहीं कर सकता, अगर वो इतनी पतली बुक को ना इतना मोटा कर देता है वो, क्योंकि बाकायदा जब एक एक पेज को आप पढ़ाई करते हैं ना खोल के, तो वो पेज के कोने मुड़ने शुरू हो जाते हैं। बुक जब बाकायदा उसको पढ़ाई करेंगे ना बुक को, तो पेज के जो कोने होते हैं कॉर्नर्स, वो मुड़ना शुरू हो जाएंगे, फिर वो पढ़ते पढ़ते उसी पे मुंह रख के सो भी जाएगा, फिर उसी वो इधर गिर रही होगी, उधर पढ़ रही होगी, उस पे चाय कॉफ़ी भी गिरा देगा वो साथ साथ पढ़ाई करते करते, है ना, क्योंकि पढ़ाई कर रहा है वो। साल के आखिर में वो इतनी मोटी हो जाती है बुक, आधी बुक उसके आधे पेजेस गायब होते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है जब पढ़ते पढ़ते सोएगा, यूं गिरेगा तो वो बीच से आधी होगी बुक। अब साल के आखिर में वो इस काबिल नहीं होती कि कोई और उससे पढ़ाई करे, वो बुक डस्टबिन में जाती है उसके बाद। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि वो बुक पढ़ने का रिवाज है नहीं। अच्छा, घर से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती है कि जो बुक जो मिली है ना, इसके अंदर कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर कोई निशान लगाना भी पड़ गया तो हम पेंसिल से लगाते हैं ताकि उसको बाद में मिटाया जा सके। अच्छा, और उसको वो उसको ना चिमकी विमकी चढ़ा के और अच्छा सा वो उसकी जेल लगा के ना अम्मी देती हैं घर से, और ये स्ट्रिक्ट रोज़ चेक होती है वो कि यार कुछ फाड़ तो नहीं दिया पेज, कोई पेज फटना नहीं चाहिए, बिल्कुल एहतियात से उसको इस्तेमाल करना है। पढ़ाई पे कोई ज़ोर नहीं है कि उसको पढ़ना भी है, लेकिन इस पे ज़ोर है कि उसमें कुछ होना नहीं चाहिए उसको। अच्छा, तो उसका नतीजा ये होता है कि साल के आखिर में वो बुक बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, उस पर कोई निशान नहीं होता, कोई पेज उसका डैमेज नहीं होता, इतना सा भी मुड़ा हुआ नहीं होता कोई पेज, क्योंकि पेज पढ़ा ही नहीं है, ना टीचर ने कभी बोला पढ़ने, ना कि अम्मी ने बोला कभी, किसी ने भी नहीं बोला। तो उसके बाद फिर कोई कज़न होता है दूसरा, वो जाने वाला होता है 9th क्लास में, तो वो कोर्स पूरा उसको दे दिया जाता है, और फिर वो कोर्स नस्ल दर नस्ल चलता है, और जब सारे बच्चे ख़त्म हो जाते हैं ना 9th क्लास के, उसके बाद वो बुक स्टॉल में आधी कीमतों में फ़रोख्त भी हो जाता है। तो हमने तो बुकों को भाई फ़रोख्त कर दिया है ना।
अच्छा, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता। मैं भी उसी सिस्टम से गुजर के आया हूँ। अच्छा, आप में से भी ज़्यादातर जो है वो उसी में से होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे ये मेरी सारी बातों को। जो हो गया वो हो गया, उसको अब उसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आगे की जो बची हुई लाइफ है ना हमारी, जो आगे हम अभी प्रोग्रेस करने लगे हैं, वो हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, तो हमें क्या करना है, इस बुक को पढ़ना है। अच्छा, किस नज़र से पढ़ना है? इस नज़र से पढ़ना है कि राइटर जो इसने लिखी है ना बात, तो ये कोई बात कर रहा है आपसे, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे ही ये भी कर रहा है, अपने कुछ बातें आपको बताना चाह रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस से आपको आगाह करना चाह रहा है। तो इसको आपने पढ़ाई करनी है। अच्छा, फिर अंग्रेज़ी मेरी बहुत वीक थी, मेरी इतनी वीक थी अंग्रेज़ी के अगर कोई एक लाइन लिखी हुई है ना तो मुझे समझ नहीं आती थी। अच्छा, तो अंग्रेज़ी अगर किसी की वीक है, वैसे तो नहीं होगी क्योंकि आप, हाँ माशाल्लाह, आप तो सभी, सबको ही आती है थोड़ी बहुत, बच्चे घर में सीखते हैं तो वो उससे भी आ जाती है। अच्छा, लेकिन जस्ट इन केस मैं आपको लेकिन तरीका बताता हूँ कि मैंने कैसे इम्प्रूव किया, तो मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हैं फिर। अच्छा, मैंने दो काम किए। नंबर एक, ये जो बुक की पढ़ाई हो रही है ना, इसमें जो भी मुश्किल वर्ड है, मैंने साथ में वो गूगल ट्रांसलेट या वो डिक्शनरी है, आप गूगल पर डिक्शनरी लिखेंगे ना, बहुत सारी मौजूद हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं, मोबाइल में डाउनलोड हो जाते हैं, कि यू डिक्शनरी करके बड़ा चला हुआ था बीच में, तो आप उस तरह की कोई डिक्शनरी की ऐप अपने पास कर लें, जो भी वर्ड आपको समझ ना है आपने उस डिक्शनरी पर उसको टाइप करना है, एंटर करना है, वो आपको डेफिनेशन उर्दू में भी बताएगा, इंग्लिश में भी बताएगा, आपने उस वर्ड को अंडरस्टैंड करना है। देखो, अंग्रेज़ी ना बड़ी गरीब ज़ुबान है, वो उसमें गिनती के 1500-2000 वर्ड है, ठीक है, उर्दू में तो वर्ड बहुत सारे हैं, अरबी में और बहुत सारे हैं, फारसी में भी बहुत सारे हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में ना बहुत थोड़े वर्ड हैं। तो अगर वो एक एक करके ना आपको वो 1500-2000 वर्ड के मीनिंग पता चल गया और वो आपको याद हो गया, तो वो फिर आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, है ना। जैसे एक वर्ड है परसू, अब वो मुझे उसका मतलब नहीं पता था, तो मैंने जब उसको देखा ना, मैंने पढ़ा, अच्छा इसका मतलब होता है पीछा करना, किसी के पीछे जाना, गाड़ी लेके जाना या पैदल जाना, तो अब लेकिन वो अब मुझे याद हो गया। अच्छा, तो ऐसे 1500-2000 ही वर्ड है अंग्रेज़ी के अंदर, जो फर अंग्रेज़ी बोल रहा है ना वो है, लेकिन गरीब ज़ुबान के वर्ड बहुत कम है उसके अंदर। तो जब ये ऐसे आप करके ना, आपको वो 1500-2000 वर्ड पता चल जाएंगे जब, तो आपको अंग्रेज़ी फिर वो बोलने में कोई मसला नहीं है, ना सुनने में कोई मसला है और ना पढ़ने में कोई मसला है। तो आपने ये चीज़ करनी है कि जो लाइन आप पढ़ रहे हैं, वो लाइन जब तक आपको समझ में नहीं आ जाती, आपने अगली लाइन पर मूव नहीं करना। अच्छा, होगा क्या उससे, होगा ये कि एक पेज, क्या कहते हैं, अगर आपने 5 मिनट में ख़त्म करना है ना, तो वो शायद 2 घंटे में ख़त्म हो, एक पेज जो आप पढ़ाई करेंगे ना, वो शायद 2 घंटे में ख़त्म हो। लेकिन वो आपको जो आपने नॉलेज जो एक्सट्रैक्ट की है ना, उसमें जो बात हो रही है उसको आपने समझ लिया अगर, तो आप यकीन जाने कि वो 2 घंटे जो है ना, आपकी ज़िंदगी के बहुत कीमती बन जाएंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ इस बुक की बात नहीं है, आपको पता है इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी ना सारी अंग्रेज़ी में है, सारी अंग्रेज़ी में, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि अंग्रेज़ हमसे टेक्नोलॉजी में तो आ गए हैं। जितनी भी इन्वेंशंस हैं आप देखें ना, ये लैपटॉप, ये प्रोजेक्टर, ये जो सारी मशीनें हैं, तो ये तो सारी वो ईजाद कर रहे हैं। तो इसमें देखें, एक्सेप्ट करना चाहिए ना, अगर किसी चीज़ में हम वीक हैं तो इसको एक्सेप्ट कर लेने में कोई बुराई नहीं है, है ना, कि भाई हम टेक्नोलॉजी में जो सॉफ्टवेयर जो पढ़ रहे हैं हम, और जो सारा साइंस और टेक्नोलॉजी के जो फील्ड है उसमें वो लोग आ गए हैं। अच्छा, फिर जाहिर है उन्होंने ही बुक लिखी है, सारे लेजेंड्स उन्हीं के पास हैं जो सॉफ्टवेयर के जितने भी हैं, जॉन डकेट है मेरा सबसे, ये जिसकी बुक है जो, अच्छा, और एक मेरा सबसे फेवरेट है वो रॉबर्ट लोफर, जो सी लैंग्वेज की बुक इसने बड़ी मशहूर लिखी है, तो यार वो सारे उनके पास हैं। अच्छा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्यासा जाता है कुएं के पास, कुआं कभी नहीं चल के आता, तो हम प्यासे हैं, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में पहले तो उनकी बराबरी करनी है, फिर इंशाल्लाह उनसे आगे भी निकलेंगे, तो हमें उनकी ज़ुबान सीखनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है। अंग्रेज़ी इस वक्त धंधे की ज़ुबान है पूरी दुनिया में, आप, मैं गारंटी से ये बात कह रहा हूँ कि किसी भी कोने में चले जाएं पूरी दुनिया के, उसको किसी ना किसी दर्जे की अंग्रेज़ी ज़रूर आती होगी, है ना। आप इवन दो के सिंध के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन यस नो उसको भी पता है ना, आप उसको यस का मतलब पता है, उसको नो का मतलब पता है, यस नो इज़ अ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2 वर्ड भी उसको अंग्रेज़ी के पता है। आप चाइना के किसी को दूर दराज इलाके में चले जाएँ, दुनिया का एक कोना है, रशिया के एक दूसरे कोने में चले जाएँ, या मेन यूरोप से ले कर और जो ऑस्ट्रेलिया और क्या कहते हैं जो न्यूजीलैंड जैसे ना जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो उन एरियाज़ तक में अंग्रेज़ी किसी ना किसी दर्जे की अंग्रेज़ी सब लोगों को आती है। और रीज़न उसका क्या है, रीज़न यही कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस चीज़ पे। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे सेठों को थोड़ी ख्वाब में थोड़ी आया था
कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना चाहिए, वो तो गोरों ने पैसे लगाए हैं, गोरों ने मेहनत की है। जब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल गली गली में आपको खुले हुए नजर आते हैं, ऑक्सफोर्ड की जो बुक्स हैं तो वो उन्होंने लिख लिख के बांटी है ना, पूरी दुनिया को बांटी है वो बुक, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की इस चीज़ पर, है ना। अच्छा, और पूरी दुनिया में बिजनेस भी सारे लोग अंग्रेज़ी में कर रहे हैं, इंटरनेट पूरा का पूरा अंग्रेज़ी में। अच्छा, तो ये वाइटल है ये चीज़, जितनी जल्दी हो सके ना अंग्रेज़ी आपको बेहतरीन करनी है जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, ठीक है जी। अच्छा, एक तो मैंने ये तरीका बताया कि डिक्शनरी आप साथ लगा लें। दूसरी चीज़ देखें, ज़ुबान कोई भी होती है ना, बोलने और सुनने से आती है वो। जो आप देखें ना, एक जो उर्दू जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप ये सोचेंगे मैं उर्दू मैंने कैसे सीख ली, उर्दू तो बड़ी मुश्किल ज़ुबान है, इसमें तो वर्ड भी ज़्यादा है, अंग्रेज़ी से भी ज़्यादा वर्ड है। जो बच्चा पश्तो होता है वो जो पश्तो फरफर बोल रहा है, तो वो ये सोचे कि यार मैंने पश्तो कैसे सीख ली, वैसे ही अंग्रेज़ी भी सीख सकता हूँ मैं। तो कोई बताया आप में से कैसे सीख गया? सुनते थे बचपन से, घर में लोग उर्दू बोलते थे, उर्दू सुनते थे तो सीख गए। अच्छा, तो बच्चा ना जिस घर में पैदा होता है वो उसमें जो भी ज़ुबान बोली जाती है वो 2-2.5 साल के अंदर अंदर ना वो ज़ुबान बोलना शुरू कर देता है भाई। हालांकि उसको कोई ये बैठ के बता नहीं रहा होता है कि यार दल तराशा का मतलब ये होता है, या इधर आओ का मतलब क्या होता है, कि इधर आना होता है ऐसे, ये कोई भी नहीं सिखा रहा, सिर्फ लोग बात कर रहे हैं, वो जस्ट सुन रहा है उसको और सीख जा रहा है वो 2 साल में, है ना। तो ये कितनी बड़ी पते की बात है ये, कि अगर आप यही चीज़ अंग्रेज़ी के साथ करें तो 2 साल में आप भी अंग्रेज़ी सीख जाएंगे, है ना। अच्छा, आसान तरीका है उसका, YouTube आप सब लोग चलाते हैं, YouTube पे अंग्रेज़ों का कंटेंट सर्च करें आप, क्योंकि एक तो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे हैं वो, तो उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और जो वो बोल रहा होगा ना, बात जो कर रहा होगा, सब टाइटल लगा लें नीचे आप। अच्छा, थोड़ा पॉज कर करके सब टाइटल पढ़ते रहें, डिक्शनरी से उसका मीनिंग देखते रहें, और आहिस्ता आहिस्ता ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको अंग्रेज़ी अच्छे से आ गई। जैसे आप मूवी देखते हैं तो हिंदी डब देखते हैं आप, तो आप बजाय हिंदी डब देखने के ना आप अंग्रेज़ी में ही देखें उसको, और सबटाइटल आप लगा लें साथ, है ना। अच्छा, वो लिखा हुआ भी आ रहा होता है जो वो बोल रहा है, अगर आपको वो जुमला समझ नहीं आया ना कि भाई वी आर ऑन हॉट परसू, अब हॉट परस्यूट का मतलब क्या होता है, आपको ये समझ नहीं आया, तो हॉट परसू का मतलब है पुलिस पीछे लगी हुई, तो आपने वो डेफिनेशन देख ली। अच्छा, हॉट परसू का मतलब है पुलिस पीछे, वो सायरन बज रहे हैं और वो भगा रहे हैं गाड़ी, और सारे हाड़ाउड़ी मची हुई, तो वो आपको पता चल गया। अच्छा, ऐसे आप जितने भी, आपको जब तक वो सीन पूरा समझ नहीं ना आ जाए उस मूवी का, आपने उसको आगे नहीं बढ़ाना। नतीजा क्या होगा कि 1-1.5 घंटे की मूवी ना आप शायद 6 घंटे में कंप्लीट हो आपकी, लेकिन आप यकीन जाने कि उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आएगा ना, तो वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप जो अंग्रेज़ी का कंटेंट है ना, सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने से आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा, ठीक है। क्योंकि जितनी भी बुक्स हैं आप देखें वो सारी अंग्रेज़ी में, अगर किसी बंदे की अंग्रेज़ी वीक है ना, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसकी प्रोग्रेस के अंदर, उसकी ज़िंदगी के तरक्की के रास्ते में ये रुकावट है अगर उसको अंग्रेज़ी नहीं आती। अच्छा, और एक और भी लोगों के जहन में शायद बात आती है, शायद आपके भी जहन में बात है कि यार अंग्रेज़ी तो दुश्मनों की ज़ुबान है, हम क्यों सीखें, है ना, बावजूद इसके कि उसके बड़े फ़ायदे हैं और ये हो, लेकिन हम क्यों सीखें अंग्रेज़ी भाई, वो तो दुश्मनों की ज़ुबान है। तो इसका जवाब ये है भाई कि जो ज़ुबान का ना कोई मज़हब नहीं होता, सही है, अंग्रेज़ बहुत सारे मुसलमान भी हैं, तो ज़ुबान का कोई मज़हब नहीं होता। जब वो मिर्ज़ा गालिब कहते थे ना कि जलेबी का कौन सा मज़हब है भाई, तो वो क्योंकि हिंदू होते थे उनके सराउंडिंग में सारे, तो वो हिंदुओं के कोई त्यौहार होते थे वो जलेबियाँ बांटते तो ये खा लेते थे, तो मिर्ज़ा गालिब को ना लोग कहते थे कि यार मिर्ज़ा तुम हिंदू हो गए हो, वो कहता है यार जलेबी का कौन सा मज़हब है, जलेबी तो ना शिया होती है ना सुन्नी होती है, तो वो जलेबी खा लेते थे। तो इसी तरह जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है ना, उसका कोई मज़हब नहीं होता, अंग्रेज़ी ना शिया होती है ना सुन्नी होती है, ना मुसलमान होती है ना क्रिश्चियन होती है, तो ज़ुबान। अच्छा, और दूसरा, आप हमारे जो गोल्डन एज हमारा गुजरा है 1000 साल का, आप उसमें उठा के देखें ना, जो साइंटिस्ट हमारे हैं मुस्लिम साइंटिस्ट, वो बायोलॉजी की 9 की बुक में वो लिस्ट बनी हुई है पूरी, आप देखें उन लोगों को 200-200 ज़ुबान आती थी। अच्छा, तो कैसे आती थी? वो इसलिए आती थी कि उस वक्त इंटरनेट तो था नहीं, खुद चल के जाना पड़ता था। उनको पता चला कि अच्छा, ईरान के फला शहर अस्फहान में इब्न सीना नाम का एक बंदा है, वो कुछ उसको आता है, उसने सितारों से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है, उसने अर्थ का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर लिया है, तो लोग ना ट्रैवल करके चले जाते थे। हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से हम अस्फहान चले जाएंगे 3-4 महीने के लिए, इधर क्या होगा, बच्चे तो भूखे मर जाएंगे यहाँ पे, फिर बीवियाँ वापस आएंगे तो घुसने भी नहीं देगी घर में वो इधर, है ना। तो वो चले जाते थे ट्रैवल करके, कितनी बड़ी कुर्बानी होती थी उस ज़माने में लोगों की।
तो हमें तो आज घर पे बैठे हुए हर चीज़ अवेलेबल है, तो वो वहाँ जाते थे ना, जाहिर है आसपहान में लोग दूसरी ज़ुबान बोलते हैं, वहाँ पे वो रहेगा, वो सब्ज़ी भी उसने ख़रीदनी है, वो जाके बाल भी कटवाने हैं, और वो सारे मामलात होंगे जाहिर है, जब एक जगह रहेगा बंदा, आस पड़ोस में लोगों से बातचीत भी होगी, तो वो आसपहान में जो भी ज़ुबान बोली जाती है ना, वो 2-3 महीने में उसको थोड़ी बहुत तो आई जाएगी। आप देखें ना, यहाँ पे कोई बंदा अगर पंजाबियों के इलाके में रहता है, मेरे बहुत सारे दोस्त पंजाबी हैं, तो मुझे पंजाबी पूरी समझ आ जाती है, बोल भी लेता हूँ। तो जो लोग पश्तो दोस्तों के साथ रहते हैं, पश्तो लोगों के साथ काम करते हैं, उनके इलाके में रहते हैं, उनको वो थोड़े दिनों में देखें पश्तो आ जाती है। तो आप थोड़े दिन में अंग्रेज़ों के साथ भी रहेंगे ना, इन द सेंस के वो यूट्यूब और मूवीज़ या जो भी बुक्स की सूरत में, तो ये अंग्रेज़ों के साथ थोड़ा टाइम आपको गुजरेगा तो आपको वो भी आ जाएगी। अच्छा, तो ये हमने देख ली थोड़ी सी बात। अच्छा, आगे ज़रा देखते हैं इस बुक में क्या इसने बताया। अब इसने ये बात बताई है कि यार ये जो एलिमेंट था ना, ओपन और क्लोज जो हो रहा था, ये पी क्या बोला है। इसने बोला कि अ क्लोजर लुक एट टैग्स, तो ये इतना जो पार्ट है ना ओपनिंग वाला, दिस इज कॉल्ड टैग, ये टैग है। अच्छा, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, आप सब लोग इससे फेमिलियर हैं। अच्छा, एलिमेंट में और टैग में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट जो है वो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उसके दरमियान में जो कंटेंट मौजूद है, इसको पूरे को मिला के एक एलिमेंट होता है। और टैग जो है ना, जस्ट एक टैग होता है, टैग या तो ओपनिंग होगा या तो क्लोजिंग होगा। एलिमेंट में लेकिन क्लोजिंग ओपनिंग दोनों है, बीच का कंटेंट भी शामिल है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लोजर लुक जो कह रहा है ना, ये वो आप देखिए क्या बता रहा है। ये कह रहा है कि जनाब एक होगा लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, बीच में एक कैरेक्टर होगा, डिपेंडिंग ऑन के वो कौन सा एलिमेंट है ये कैरेक्टर डिफरेंट होगा, उसके बाद एक होगा राइट एंगल ब्रैकेट। अच्छा, और ये सब मिला के इसको कहते हैं ओपनिंग टैग। अच्छा, इसी तरह क्लोजिंग टैग में क्या होगा, सारी चीज़ें सेम होंगी, बस बीच में एक फॉरवर्ड स्लैश होगा उसका, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि अच्छा ये वाला जो टैग है वो क्लोजिंग टैग है। अच्छा, जब भी ये टैग्स आएंगे ये हमेशा पेयर की सूरत में आएंगे, ओपनिंग होगा साथ में क्लोजिंग भी उसके लाजमी होगा। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि एक एट्रीब्यूट नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है। एट्रीब्यूट टेल अस मोर अबाउट द एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेंट ऑफ एन एलिमेंट। अब एक तो एलिमेंट तो हो गया ना कि पैराग्राफ ओपन, पैराग्राफ क्लोज और उसके दरमियान में जो भी कुछ है वो सब मिला के एक एलिमेंट है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि भाई एट्रीब्यूट जो है हमें क्या बताता है कि उस एलिमेंट के अंदर जो कॉन्टेंट है, जाहिर है अगर पैराग्राफ के दरमियान में कोई टेक्स्ट है तो वो एक कॉन्टेंट है, उसमें कुछ बात हो रही है, ठीक है। टेक्स्ट और कॉन्टेंट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं भाई, देखें, ठीक है, इसको मिक्स मत कीजिएगा। तो उसके अंदर जो भी कॉन्टेंट है, ठीक है, जैसे मैं वापस आता हूँ इधर इस पैराग्राफ के अंदर, तो ये देखें, ये पैराग्राफ का ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग और इसके दरमियान में जो कुछ भी मौजूद है ये पूरा मिला के एलिमेंट है ना। अच्छा, तो इस एलिमेंट का जो कंटेंट है वो ये टेक्स्ट है। अच्छा, ठीक है, कंटेंट और टेक्स्ट मुख्तलिफ चीज़ इस वजह से है कि ये टेक्स्ट कोई स्टोरी हो सकती है, कोई गाना हो सकता है, कोई शायरी हो सकती है, उसमें किस ज़ुबान में बात हो रही है वो एक कंटेंट है, जिस चीज़ को आप कंज्यूम करते हैं, जिस चीज़ को आप सर्व करते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बुक होती है, कोई स्टोरी की बुक होती है, उसका कंटेंट स्टोरीज़ होता है कि भाई दो दोस्तों की स्टोरी है, एक लकड़हारे की स्टोरी है, तो दैट इज़ कंटेंट। लिखी हुई चीज़ है वो तो टेक्स्ट है, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट एक्चुअल में एक कंटेंट ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये कह रहा है कि ये ना कंटेंट के बारे में ये बताएगा आपको। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट, उस एलिमेंट में जो भी कंटेंट है उसके बारे में बताएगा। अच्छा, दे अपीयर ऑन द ओपनिंग टैग, ये एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में लग सकते हैं, क्लोजिंग में कभी भी नहीं लगेंगे। अच्छा, आर मेड अप ऑफ टू पार्ट, नेम एंड वैल्यू। इस एट्रीब्यूट के अंदर क्या कह रहा है कि हमेशा ना दो पार्ट होगा इसका, ऐसे एक होगा उसका नेम और इक्वल्स टू करके एक होगी वैल्यू उसकी। अच्छा, और इसके दरमियान में इक्वल का एक साइन होगा छोटा सा। अच्छा, अब अगर आप गौर से इसको देखें तो इस एट्रीब्यूट में इसने क्या बताया, लैंग्वेज ENUS, इंग्लिश US मतलब। अच्छा, तो ये बता रहा है कि भाई इस पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट है वो किस ज़ुबान में है, उसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश US है, ठीक है। तो ये इसने क्या बताया, कंटेंट के बारे में कुछ डिटेल बता दी। अच्छा, अब ये किसको बता रहा है, ये डिटेल किसको बता रहा है, मतलब मैंने एलिमेंट बनाते हुए ये इसमें एट्रीब्यूट लगा दिया, तो ये डिटेल मैं किसको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ ब्राउज़र को, ठीक है, जिस ब्राउज़र पे भी ये ओपन होगा ना, जिस पे भी चलेगा, ये मैं उसको बता रहा हूँ कि अच्छा जी ये पैराग्राफ जो है ना, ये एक तो मैंने इसको, अगर तो मैं पैराग्राफ ही नहीं मेंशन करता, मैं सिर्फ टेक्स्ट लिख देता,
उसको यही नहीं पता चलता कि ये पैराग्राफ है, तो उसको एज अ पैराग्राफ वो नहीं दिखा पाता, है ना। हमने ये लास्ट करके भी देखा था कि दो अगर मैंने पैराग्राफ लिखे हैं तो वो उस कोड में तो मैंने फासला दिया उसमें, लेकिन वो एक्चुअल जब रिजल्ट आता है तो उसमें मिक्स होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो फिर मैं जब उसमें पैराग्राफ का ये टैग लगाता हूँ, पैराग्राफ का एलिमेंट उसमें मेंशन करता हूँ कि अच्छा जी ये अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ, तो फिर उसके दरमियान में फासला देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट जो पैराग्राफ का लगाते हैं ना, इसके लगाने की वजह से ही गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र है उसको पता चलता है कि अच्छा जी ये अलग पैराग्राफ है और ये अलग पैराग्राफ है। अब किसी एक पैराग्राफ पे मैंने कहा कि लैंग्वेज इक्वल्स टू ENUS, तो अब गूगल क्रोम को पता चल जाएगा कि अच्छा जी ये पैराग्राफ जो है ना, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है कंटेंट। वैसे तो हमें तो दिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर उसको बताना पड़ता है, तो ये उसको बता दिया हमने। अच्छा, इस तरह के और भी बहुत सारे जो है ना एट्रीब्यूट्स होते हैं जो वक्तन फवक्तन हम देखेंगे। अच्छा, एक दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप देखें, इन्होंने बोला है कि लैंग्वेज इक्वल टू FR, FR का मतलब है फ्रेंच, ठीक है, ये लैंग्वेज कोड होता है। आप गूगल पे लिखेंगे ना लैंग्वेज कोड तो ये सारे आ जाएंगे। बुक में भी आगे इन्होंने जिक्र किया है कि लैंग्वेज कोड और कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, तो अब ये देखें नीचे भी लेकिन ना कुछ बातें हो रही हैं इसके बारे में कि भाई द एट्रीब्यूट नेम इंडिकेट व्हाट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू आर सप्लाइंग, ठीक है। तो ये आपने, अब ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, तो ये आपने खुद से इसको पढ़ना है, ठीक है। ये जो सारा अभी तक हम पेजेस जो गुजर के आ रहे हैं ना, और ये सारी चीज़ें आपने खुद से पढ़ाई करनी है, और ये करके आपने पढ़ाई करके आना है। अच्छा, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे क्या होगी जाने से पहले, जैसे मैंने जिक्र किया कि बुक आपने पढ़ाई करनी है, आइडियल केस क्या होगा? आइडियल केस ये होगा, क्योंकि देखें ये सीनियर लोगों की क्लास है हमारे पास ना। अच्छा, मैं वैसे भी ज़्यादातर जो क्लासें पढ़ाता हूँ उसमें एटलीस्ट कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं, बिल्कुल छोटे वाले बच्चे तो जाहिर है नहीं, ये उनके टॉपिक नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, उसके लिए वो अलग कोर्स है, वो टेक्नो करके किड है, टेक्नो किड करके है, तो बिल्कुल छोटे को उसमें करते हैं वो। तो मैं जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना मेरे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी आप देखें कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के, या जाहिर है आप सब लोग तो माशाल्लाह ऑफिसर्स हैं, तो आपका तो वो पढ़ाई वाला टाइम, तो जो सीनियर क्लास होती है वो गोरे, जैसे ऑक्सफोर्ड में या MIT में जब प्रोफेसर क्लास लेने आता है ना, तो वो जैसे मैंने यहाँ बुक खोली हुई है वैसे बुक नहीं खोलता वो। ये तो मैंने बुक इसलिए खोली हुई है ताकि आपको थोड़ा सा फेमिलियर करूँ, बुक पढ़ने की आदत डले, तो इसलिए। और इन फ्यूचर ये बुक मैं खोलूँगा भी नहीं, ठीक है। ये मैं आऊँगा यहाँ पे, और जैसे MIT के अंदर प्रोफेसर आएगा वो क्या करता है, वो डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक लिखेगा कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा ना वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, और उस पर वो बात करेगा, और क्या कहते हैं सामने से वो कुछ सवालात भी लेगा, कुछ सवालात पूछेगा भी, और वो सारी बात करने के बाद ना, एक घंटे का वो लेक्चर होगा, वो सारी बात करने के बाद वो बोलेगा कि अगली क्लास में हमने जो पढ़ना है कि फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल कैसे सेव हो, कोई भी ऐसी बात, कोई टॉपिक है कि भाई फला टॉपिक हमने पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, इसके लिए आप फला फला बुक का पेज नंबर 29 से लेके 35 तक पढ़ें, फला बुक में पेज नंबर 20 से लेके आप यहाँ तक पढ़ें, दो तीन बुक के नाम और पेज नंबर वो बता के चला जाएगा नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है। अच्छा, अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और स्टूडेंट करके भी आते हैं कि वो जो सारी बुक उसने बताई है अगली क्लास में वो पेजेस सामने जो स्टूडेंट बैठे हुए ना सारे वो पढ़ के आते हैं। अच्छा, तो बुक में तो असल में चीज़ें बुक में ना बड़ी देर में पहुँचती हैं, है ना। बुक क्योंकि अच्छी बुक लिखना बहुत मुश्किल काम है, जो मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी में आज जो इन्वेंशन हुई है वो बुक में आते आते उसको लगते हैं 2-3 साल, क्योंकि क्या कहते हैं जो कंप्यूटर साइंटिस्ट डेली बेसिस पे पेपर लिख रहे हैं, न्यूज़ में जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे अभी ChatGPT आया, अब ChatGPT की बुक ना मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगले 2 साल तक कोई बुक नहीं आएगी इसकी, क्योंकि अभी वो सब लोग खुद सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ उसको। अच्छा, मैं जब सीख जाऊँगा अच्छी तरह, मैं उससे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर लूँगा, तो फिर मैं सोचूंगा कि अच्छा यार आप क्या करते हैं इसको थोड़ा बुक लिख देते हैं, तो फिर मैं एक आध को राइटर ढूंढूंगा, कोई पब्लिशर ढूंढूंगा मैं, फिर मैं उनको एप्लीकेशन लिखूंगा कि यार ये मैंने कुछ लिखा है ड्राफ्ट, ये ज़रा देखो। वो प्रीफेस पहले लिख के भेजते हैं, वो प्रीफेस लिख के मैं उसको भेजूंगा, फिर वो कहेगा कि ठीक है जी हम इंटरेस्टेड हैं, आप लिखें ये बुक। 2-3 पब्लिशर में से कोई एक जवाब देगा, फिर मैं उसको वो लिखना शुरू करूँगा। अब वो मैं लिखता जाऊँगा, एक एक चैप्टर उनको मैं भेजता जाऊँगा, वो उसको प्री पब्लिश में डालते जाएंगे, एक चैप्टर डेमो के तौर पर लगा देंगे वो, समटाइम ये करते हैं, तो फिर वो बुक जाके कहीं ना 4-6 महीने में जाके वो कंप्लीट होगी, 400-500 पेज की बुक। जो 400-500 पेज की बुक का मतलब है कि जुजामे किताब होती है, ठीक है। वैसे 100-100 पेज वाली तो आ गई होंगी, वो तो फौरन आ जाती हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो जामे बुक नहीं होती, वो अगले 10 साल चलने वाली बुक नहीं होती। अच्छा, तो ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं ना, ये 2009 में लिखी गई थी, और ये वो जामे बुक है 500 पेज वाली जो अगले 10 साल चलती है,
तो क्या कहते हैं, और HTML में कोई चेंजेस आई नहीं है उसके बाद, तो ये सही चल रही है। तो पॉइंट मेरा ये है कि बुक में कोई भी चीज़ आते आते ना टाइम लगता है। तो अब MIT में जो बैठा हुआ स्टूडेंट है ऑक्सफोर्ड में, उसका प्रोफेसर उससे बोलता है कि यार बुक तो पढ़ के आ ही जाओ, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ जो आप जैसे जो लोग हैं, आपको देखें बुक पढ़ाना जो है ना वो कोई सेंस नहीं है, वो तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, है ना। अच्छा, तो अगर इस क्लास को हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो हमें भी सीनियर क्लास वाला जो तरीका है ना वो फॉलो करना होगा, कि आप सब लोग जो बुक का जो चैप्टर है ना, अब जो अगला हम क्लास में पढ़ेंगे, अभी चैप्टर वन कंप्लीट करेंगे चैप्टर टू पढ़ेंगे, तो ये दो चैप्टर ना आप पहले से पढ़ के आ जाए। अच्छा, जब आप वो पढ़ के आएंगे तो फिर वो प्रोफेसर क्या करता है, वो उससे आगे की बात करता है। मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ जो इस बुक में मौजूद नहीं है, और पढ़ाऊँगा मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ जो बुक में मौजूद नहीं है। क्यों? वो चीज़ें बिल्कुल न्यू हैं, वो बुक में आते आते लगेंगे 3-4 साल, फिर वो कोई राइटर बुक लिख रहा होगा वो कहेगा अच्छा यार चलो मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ। समटाइम कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती, लोगों को लगता है पता नहीं ये चलेगी अब ख़त्म हो जाएगी, जाहिर है वो बुक में नहीं होती। तो प्रोफेसर हमेशा वो बुक से आगे की बात करता है। तो अगर हमें इस क्लास को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अगर आप सब लोग इंतहाई सीरियस हैं इस टॉपिक को लेकर, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में वो आप पहले से पढ़ के आएँ, ताकि अच्छा वो मुझे पता चल जाएगा, वो मुझे पता इस तरह से चलेगा आपकी शक्लें देख के, है ना। जब मैं यहाँ से कोई बात करूँगा, कोई मैं आपने नोट किया होगा मैं क्लास के दरमियान में एक सवाल पूछता हूँ कि जी आप ज़रा ये बताएं क्या ख्याल है आपका, तो क्लास एक तो टू वे होनी चाहिए ना, अभी तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, वन वे हो रही है, ये मज़ेदार नहीं होती क्लास, ये क्लास ना डेड होती है। अच्छा, तो क्लास सबसे बेहतरीन होती है जो टू वे हो, मैं भी बोलूँ आपका ओपिनियन भी लूँ मैं आपसे, तो मैं जैसे ही आपका ओपिनियन लूँगा ना तो दो तीन लोगों ने जो बात की तो मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा कि अच्छा क्या लेवल पे पहुँच गए आप। अच्छा, तो फिर उन चीज़ों को देखते हुए मैं आपसे उतनी ही बात करूँगा जितना आप एब्जॉर्ब कर पाए, अगर तो आप बुक वगैरह पढ़ के नहीं आएंगे तो वो भी मुझे पता चल जाएगा, तो फिर मैं उतनी ही बात करूँगा जो बुक के अंदर अंदर है या मुझे लगेगा कि एब्जॉर्ब कर पाए आप, ठीक है ना। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता ट्यून होगा, मज़ीद मुझे आइडिया हो जाएगा कि अच्छा किस कितनी चीज़ें समझ आ जाती हैं आपको। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं मैं आपको उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक का जो चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू है वो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ करें, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आप सब लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।